देख लीजिए, अगर हम आज की बात करें, HMT खुशीपुरा की बात अगर हम करें, अबनशा चौक से एक जुलूस बरामद हो रहा है साथवी का, जो इमामबाड़ा डारमाला जाता है। आज शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं अपने यहाँ पर J&K पुलिस का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया आज और इस जुलूस को पाही अमल पर पहुँचा दिया और पुरमन से ये जुलूस निकल गया। शिया सुनी दोनों खड़े थे इस जुलूस में, कि जबकि पिछले 10-12 साल से इस जुलूस में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही थी, आज बहुत पुरमन से निकल गया। मैं इसलिए पारिमपुरा पुलिस का, हमारे SP साहब का, DSP साहब का, SQ साहब का, स्पेशली अपने SSP श्रीनगर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत तहफ़ किया हमारे साथ और इस जुलूस को अच्छे तरीके से हम निकाल पाए। और शुक्रिया करना चाहता हूँ यहाँ के जो हमारे लोग हैं, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुनी हो, दोनों भाई भाई हो के हम लोगों ने यहाँ पर इस जुलूस को अच्छे तरीके से इख्तिताम कर दिया। अगर हम 8वीं मुहर्रम की बात करें या 10वीं मुहर्रम की बात करें, वो एडमिनिस्ट्रेशन जाने उनको क्या दिखा क्या लगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है कि यहाँ पर हालात ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि फिर इस जुलूस पर बैन होनी चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिखा वो खुद जाने, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी हालात ठीक हो गए और खुद यहाँ से साबित करके दे रहे हैं कि हम जुलूसों पर भी बैन लगा रहे हैं। इसका समझने वाले इस बात का मतलब खुद समझ जाएंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें आज़ादारी करनी है। अब कहाँ से निकले, कैसे निकले, इमाम हुसैन की आज़ादारी हमारी दिलों में है, हमारे खून में है, हम वो करते रहेंगे। और लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सोचा होगा वो भी कुछ गलत नहीं होगा और अल्लाह हमारा फ़ैसला खुद करेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वसलाम का, हमारे नबी के नवासे का जुलूस है, उन पर रहम पहले ही खुदा ने किया है, वही रहम हम पर भी करेगा। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में सारी पाबंदियाँ हट जाएगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे हैं, इन पर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ज़ोर नहीं चला सकता।